कोर तहसील के अंतर्गत ग्राम काफली कमेड़ा में खड़िया खनन की सुगबुगाहट को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि चौड़ा स्थल का ग्राम काफली कमेड़ा तथा पेठी आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। पूर्व में भी ग्रामीणों के विरोध के बाद खड़िया खनन कार्य को निरस्त किया गया था, लेकिन इस बीच ग्रामीणों की सहमति के बिना ही खनन पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि चौड़ा स्थल क्षेत्र में खड़िया खनन पट्टा स्वीकृत किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस आशय का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो 1984 से चौड़ा स्थल में जो जोन 5 में आता है, जो जहां चारों ओर से जो गांव है वो भूसंकलन के जद में है। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि ये खनन की सुगाहट ग्रामीण को थी, सूत्रों से पता चला कि वहाँ पे पुनः प्रक्रिया की जा रही है खनन की। पूर्व में गांव के जो बुजुर्ग थे, माताओं ने लंबे अंतराल के बाद संघर्ष करने के बाद वहाँ खड़िया का कार्य बंद करवाया और वो चला नहीं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के सचिव थे उन्होंने भी लिख के दिया, लेकिन आज हमको पता चला कि यहाँ पे सुगाहट हो रही है खनन की, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। लोगों ने हमारे पास लैंड बैंक के रूप में भी है, पर्यटन के रूप में महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि जो भी इसमें लीज धारक हो उसका लीज अगर प्रक्रिया में है समाप्त हो, अगर लीज हो गया तो वो भी समाप्त होना चाहिए। इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए अपने हम सब शिष्टमंडल के रूम में गए थे। दोनों ग्राम सभा के काफी के मेड़ा और बेटी के शिष्टमंडल जो है जिला अधिकारी महोदय से खड़िया के संबंध में ज्ञापन देने गए थे। तो चौड़ा स्थल एक ऐसी जगह है जहाँ पर्यटन की दृष्टि से बहुत रमणीय जगह मानी जाती है या सुंदरता से परिपूर्ण है, तो वहाँ पर खनन न करके जो है वहाँ पर पर्यटन का अगर विकास किया जाए तो ये वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। चौड़ा स्थल में पुनः खड़िया खनन को लेकर के ठेकेदार के आने के संबंध में लोगों को दहशत पैदा हुई और लोगों को भी ये बताया गया कि ठेकेदार द्वारा कि भई हम यहाँ पर लीज हमारी है और हम इसमें खुदाई करेंगे, यहाँ तक बताया गया, लेकिन हम इस चीज को हम कतई नहीं होने देंगे। 1984 से ये आंदोलन हमारा तदंतर चलते आ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे क्षेत्रवासियों ने और हमारे सारे जनपद के जो भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो इस फेवर में आकर के इसको स्थगित किया गया था, स्टे ऑर्डर लाया गया था। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।